और स्नेक को देखो एकदम रियल है गाइस। हाँ गाइस मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कि। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रियंका। तो मैं फिर से आ चुकी है एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं ब्लॉग आने वाला है। तो मैं आज जाने वाला एक ऐसे रहस्यमय जगह पे जहाँ पे भोलेनाथ कुछ दिनों के आगे खुद ब खुद निकला हुआ है, मतलब आधा जमीन से इतना तक निकले हुए है। क्या ये रियल है या फेक है मुझे नहीं पता। मैं भी जाऊँगी और देखूँगी कि क्या ये सच है या झूठ है या क्या आज में हुआ है। तो आज हम जाने वाले वहीं पर जगह पर, पूरा हमारे फैमिली जाने वाला है, और आज तक ये ब्लॉग ज़रूर देखना। एंड हाँ चलो, तो गाइस यहाँ पे मैंने ये देखो भिंडी का भाजी बना रही हूँ यहाँ पे, और ये टमाटर का चटनी बनाने के लिए टमाटर को रोस्ट कर रही हूँ, और इधर हमारा दाल भी रेडी है देखो। तो गाइस मैं खाना बना के निकल जाऊँगी, खाना बना के खा के निकल जाएंगे क्योंकि बहुत भूख लगा है, कुछ भी नहीं खाया सुबह से, सिर्फ चाय पिया था बस वही, और खा के डायरेक्ट निकल जाएंगे गाइस। और 2000 years later तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी, और हम अभी जाने वाला, ये रहा ऑटो भी आ चुका है, ठीक है, मेरी बहन भी रेडी है और ये भी जाने वाला है। तो हम सब निकल, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने बता ही दिया कि कहाँ जा रहे हैं। तुझे ये बताना है कि हम क्या देखने जा रहे हो, बता। शिव भगवान को देखने जा रहे हैं गाइस, वो जो मिट्टी से खुद ब खुद निकला है वो देखने जा रहे हैं हम लोग। हाँ गाइस मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कि। आई एम वेरी एक्साइटेड, पर मेरी मम्मी लोग ना मुझे लग रहा है कि उल्लू बना रहे हैं, पता नहीं प्रैंक कर रहे कि क्या, नहीं पता नहीं सच में। चलो चलते हैं, चलो बोई भी। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं घुमा फिरा के 10 बार, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, फिर ये जगह देखो यहाँ पे है, इतना खाली जगह पे है, ये देखो इतना खाली सुनसान जगह पे भोलेनाथ निकला हुआ है, और मैं दिखाऊंगी ठीक है। हम लोग ने रास्ता चेंज किया इधर एक बार, इधर इधर इधर, मतलब पूरा इधर, मम्मी लोग आगे बढ़ चुके हैं, देखते हैं। मुझे तो अब लोग वो घड़ी आ चुकी है जो हम देखेंगे फेवरेट भोलेनाथ को। हाय हाय, इतना सुकून। तो गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पे सच में भोलेनाथ निकला हुआ है, और इतना रियलिस्टिक है गाइस, और ऐसा लग रहा है पत्थर से बनाया, सच में निकला हुआ है। और ये देखो मुंह कैसा है, और स्नेक को देखो एकदम रियल है गाइस। गाइस देखा कैसा था मैंने, मतलब यहाँ पे आके बहुत मन को शांति मिली थी, और हम लोग इतना देखा है, हमने आते छू के देखा, हमें ऐसा लग रहा था कि रियल में भोलेनाथ बैठा हुआ है, ऐसा फील हुआ है गाइस। एंड आपने भी देखा है, आप लोग भी दर्शन कर लेना भोलेनाथ की। लेट्स गो गाइस। गाइस हमने दिवाली के लिए शॉपिंग कर लिया, मतलब सिर्फ दिया लिया है, अभी जा रहे हैं दीदी के घर। चलो गाइस, सबसे बड़ा बंदर ये देखिए, ए मैं नहीं हूं, ये है क्यों? ये तो इसका साथी ये है गाइस। सो ले भैया ले, इंसानों से खा ले, जानवर क्या होता है, बस दोस्त होता है, बस दोस्त होता है। ओ यार ये कितनी औसम है, तो वीडियो बनाना आता है उसको शूट करता है, तुझे नहीं आता तो तू इतना उस्तादी क्यों मारती है? तो गाइस इस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, घूमने हमको तो इतना भी अच्छा नहीं है।
2000 years later. ये तो नाइना सुंदर है। हां तो ये क्यों पसंद है तो कंपाई हमारे सुना से यार। नहीं 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 नहीं